जब बहराइच के लखीमपुर हिंसा में हुई हिंसक झड़प में मोरनिया गांव के निवासी मारे गए किसान मृतक गुरविंद्र सिंह के पिता सुखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है। जो भी हमारा फैसला हुआ था उससे सरकार अब पीछे हट रही है। कहा कि जो भी किसान पर मुकदमा दर्ज हुआ था उसको सरकार ने वापस लेने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने दोबारा किसानों को पकड़ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जो भी किसान जेल में बंद हैं उनको छोड़ा जाए और जो भी किसान बाहर हैं उनको जो पुलिस पकड़ रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है, सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जिसका नाम चाहे हटा दे और जिसका नाम चाहे उसको बढ़ा देती है। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। हिंसा मामले में आज एक चार्जशीट फाइल 14 लोगों के नवजात एक अज्ञात नाम बढ़ाया गया है, इस पर क्या कुछ कहना है? इस पे तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा फैसला हुआ था कि किसानों पे जो भी मुकदमे हैं वो सारे वापस लिए जाएं और जितने भी बंद हैं लोग उनको सभी को छोड़ा जाए, और उनको छोड़ने के बजाय जो है कि और भी ये किसानों के ऊपर जो है कि उनको पकड़ा जा रहा है या बंद किया जा रहा है, तो ये गलत है। और इसमें हमारी तरफ से तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार अपने वादे पे रहे, जो इन्होंने वादा किया था कि मतलब किसानों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और जितने भी मुकदमे हैं वापस लिए जाएंगे, और मुकदमे वापस लेने के बजाय और ये मुकदमे और कर रहे हैं, तो ये इनके लिए काम अच्छा नहीं है। जय मिश्रा टेनी का उस फाइल में नाम नहीं है, इस पर क्या कुछ कहना है? भाई उनकी सरकार है, वो सत्ते में है, वो जिसका नाम चाहेंगे वो निकालेंगे, जिसका चाहेंगे वो डालेंगे, वो तो उनकी मर्जी है ना। हम तो कहते हैं कि वो दोषी हैं, 120 के मुजरिम हैं, और उनको जो है कि पकड़ करके जेल में बंद करना चाहिए, जो सज़ा उनके लिए उचित है वो सरकार दे उनको, दंड जो भी अब उसके कानून के तहत है। और जो है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, और मैं देख रहा हूँ कि TV पे इनके जो है कि कार्यकर्ता हैं या कोई भी, या इनके दलाल कह लो या मक्कार कह लो, कुछ भी कह लो, वो कहते हैं कि इनके राज में जो है कि कोई गुंडा, योगी जी के राज में कोई गुंडा रह नहीं गया है। तो गुंडा तो इनके शासन सत्ता में भी बैठा है, वो इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, ये अंधभक्त हैं। ये अंधभक्तों को देखना चाहिए कि अभी इनके बगल में बैठा हुआ है अजय मिश्र ट्रेनी, उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सरकार की ढील है। और मेरी हाथ जोड़ के सरकार से यही अपील है कि इनको जो है कि हमारे ज़िले में कोई भी कार्यक्रम में अगर ये इनका कोई भी कार्यकर्ता अगर इनके साथ में आता है तो हम लोग विद्रोह करेंगे उसका।